वेलकम टू द न्यू ब्लॉग ऑफ टुडे। आज हम जा रहे हैं ओंकारेश्वर और हम हो गए हैं तैयार। देखिए उसका नया फ्रॉक, नए चश्मे पुराने हैं, नया बूट और नए सॉक्स है ना। हम अब क्या काम करके नेक्स्ट टूर जा रहे हैं। हाँ, और हम जाने वाले ओंकारेश्वर है नॉर्थ। अभी हम जा रहे हैं ओंकारेश्वर मंदिर और आज पूरे दिन की हमने गाड़ी बुक कर दी है। मैं व्लॉगिंग बनाते हैं ना तो सब लोग हंसते हैं, इसलिए मैं जल्दी नहीं बनाती हूँ। और ये देखो ये क्या बना खा रही है। फिर इतना थक है की आवाज भी भारे भारे हो गई है हम लोगों की। वो बड़े गणपति, ये हमारे ड्राइवर हैं जो पूरा दिन आज हमारे साथ रहेंगे। हमें ओंकारेश्वर से उज्जैन ड्रॉप करेंगे और हमें पूरा ओंकारेश्वर घुमाएंगे। वो आपके लिए सरप्राइज है। ओंकारेश्वर जाते वक्त सिर्फ यही एक अच्छी होटल है जहाँ पे नाश्ता और खाना अच्छा मिलता है, तो ड्राइवर के हिसाब से हम यहाँ आए। यहाँ पे हमने इंदौरी पोहे खाए, स्लाइड्स में खेले और खूब मस्ती करने के बाद यहाँ से हम निकल पड़े। एज यूजुअल माइक्रोफोन का बैटरी चला गया था, तो अब मैं ट्राई करूँगी साथ में सिंक करने के लिए। तो हम आए हैं फ़िलहाल महाकालेश्वर मंदिर और महाकालेश्वर मंदिर में हम करेंगे दर्शन। तो आए हैं हम महाकालेश्वर मंदिर में महादेव जी के दर्शन करने के लिए और यहीं से दिख रहा है बहुत सारी भीड़ है, तो लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा और देखते हैं कितनी लाइन है, कितना खड़ा रहना पड़ेगा, क्या करेंगे हम, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी लाइन है जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको तो दिख ही रहा है। मैं हर बार क्या यही बोलती रहती हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। आपको दिखता है तभी तो आप मेरे वीडियोस देखते हो, है ना। तो आप मुझे बताना मैं कैसी एडिटिंग करती हूँ। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। हमने दर्शन अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ममलेश्वर नहीं, ओंकारेश्वर। अभी हम जा रहे हैं ओंकारेश्वर। बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ मैं ओंकारेश्वर ममलेश्वर में, बट अभी हम जा रहे हैं ओंकारेश्वर। दर्शन नहीं करवा सकी क्योंकि कैमराज आर नॉट अलाउड, तो उसके लिए आपको खुद यहाँ पे आना होगा दर्शन करने के लिए। तो हमने तो दर्शन कर लिए बढ़िया से यहाँ पे सारे, तो आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं पूरा मंदिर। अभी कहाँ जाना है, अभी कहाँ जाना है, क्या जवान उछे? ओके, अभी हम ओंकारेश्वर जा रहे हैं। चढ़ के जाने का है कि बोट में जाने का है, होड़का में जाना है कि होड़की में जाना है, अभी देखते हैं कैसे जाना है। बोट पे जाएंगे हम कि चल के जाएंगे हम? चलो चलो रुक, इसके चलने की स्टाइल देखो गाइस। चलो अरे वाह 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 आकाश, अरे वाह 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 वाह। तो अभी आप देखो के होड़का बोट नाव जिसमें हम जाएंगे उस तरफ बिना चले शायद। ओहो कितना लाइन होता है, आप देखो सामने इतनी लाइन में जाएंगे तब ऊपर पहुंचेंगे। अब देखते अब कितना ऊपर चल के जाना है हमको ओंकारेश्वर। इतना लाइन होता है, मतलब बहुत लाइन होता ही होगा यहाँ पे। अभी देखते हैं हम कहाँ कितना कैसे पहुँचते हैं। उछाल उछाल के मच्छर मेरे शौक गिले हो रहे। बोट से जाते हैं, परमल ले लो। परमल क्या? परमल मतलब वो सामने ये मुरमुरे रहते हैं ना, ये ले लो। कुरमुरा ले लो। हाँ ये मुरमुरे। तो इससे क्या होगा? मछलियाँ ऊपर खाने के लिए, मछलियाँ ऊपर खावा उसे मुरमुरा ले सकते हैं। मुरमुरे में ऊपर आएगी अभी अंदर अंदर नहीं, तो हमको तो ऊपर लानी है। ये कितने का है? ये मुरमुरे डालने से मच्छियाँ ऊपर आती है और फिर हमको मच्छी देखने को मिलती है। और ये पूरा सीन है, अगर आप बोट से नहीं जाएंगे तो आपको ये पुलिये पे से जाना पड़ेगा चल के। हम जा रहे हैं अभी बोट से, और ये मछली तो खाने से जाने वाले हैं। और ये मछली खाने की नहीं है ऐसा? अरे वाह 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 वाह, नहीं है जल्दी जाओ। अभी हम जा रहे हैं बोट की सवारी करने के लिए।
भागो भागो भागो, गिरना मत, रुको। यहाँ पे 2200 रुपये में ऐसा बोलते, पूरी परिक्रमा होती है नदी की, लेकिन इंदौर में अभी बहुत बारिश आई थी जिसकी वजह से वो पत्थरों से ब्लॉक हो गया, तो नहीं होगी वो, तो हम लोगों को सिर्फ उस पार पहुँचाएंगे ये लोग। अभी हम मुरमुरे डाल रहे हैं तो बोल रहे अभी मच्छी आएंगी खाने के लिए, अभी तक आए नहीं है, अभी तक आए नहीं है। ये बधारे मत नाको, ये आई 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 के कवच तो आई का बोट नहीं आवाज आती है। मच्छी आई, मच्छी आई, आई 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 आई, आ नीचे झुको, आई आई आई, ये देखिए मच्छियां दिखेंगी आपको। मंदिर के पहले सब देख सकते हैं आप मच्छियों को, देखा है एक आई हो जी कचरो बस घर आई लियो है। तो यहाँ हम सब ने लाइफ जैकेट पहने हैं, उसके साइज का नहीं इसलिए इसने नहीं पहना है, और हम सब ने तिलक भी लगाया है माथे पे। ओए तिलक दिखाओ, जा पाछल हम बैठ जा, कहीं नहीं जा डर, जो बोट सरस चाली, चली रे चली बोट को चली। तो ये हम बैठे हैं बोट में, बोट चल रही है, हम चल रहे हैं। बची गई जब एने तो वांधो नहीं, मैं कोई नहीं बैठू, आपने तो बैठू तो सीधू आम आवत मंदिर के दर्शन करने से पहले हमको एक हाफ सर्कल का राउंड करवाया जो नक्की किया गया था उस हिसाब से। यहाँ पे आप देख सकते हैं डैम है, तो जब हम यहाँ पे आए थे उससे पहले उज्जैन में बहुत ज़ोरदार बारिश हुई थी, इतनी बारिश हुई थी कि आपको यहाँ से वो मंदिर दिख रहा है वहाँ तक भर चुका था, पत्थर सारे आ गए थे, तब ऐसे मूसलाधार बारिश हुई थी। तो हम जा रहे हैं बोट पे त्रिवेणी संगम देखने के लिए, और अगर आप बोट पे नहीं जा रहे हैं तो चल के हमें ऐसे जाना रहता है जैसे आप देख सकते हैं जिसमें पुल है, वो एक्सपीरियंस भी बहुत डिफरेंट रहेगा। तो ये पूरा एरिया है ओंकारेश्वर का जो आप देख रहे हैं, और ये सारे बोट घूम घूम के आ रहे हैं, पर पर्सन 150 रुपीज है, और आपको थोड़ा भाव तोल करवा के आप अपने बजट में करवा सकते हैं जितना आपको भाव तोल करवाना आता है। फिर
फिलहाल मुझे यहाँ पे एक गाना याद आ रहा है, मैं थोड़ा सा गाऊंगी, पता नहीं कॉपीराइट क्लेम आएगी या नहीं आएगी, पर मैं ज़रूर गाऊंगी। गोतिलो तमे गोतिलो 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 तमे गोतिलो गोतिलो नथी जे मजामा एवा हावटा ध्वजामा एनो हाडनो प्रवासी गोतिलो काठे ती जा तू जा दरिये दरिये ती जा तू जा मदरिये काठे ती जा तू जा जा वेवदो 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 जाने क्या लिरिक्स में कितना अच्छा और करेक्ट लिरिक्स है, पर ये देखकर मुझे ये गाना याद आ गया, बस मैंने आपको थोड़ा गुनगुना लिया। ये जो डैम दिख रहा है ना आपको, यहीं से काफ़ी क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और जितने पुल में लोग थे, जो चल रहे थे, जो जा रहे थे, वो भी खींच के पानी के बहाव से डूब गए थे। एक वीडियो आया था, ग्रुप बर्थडे मना रहा था पुल पे और वो लोग के साथ जो दो जन थे, बेचारा एक लटक रहा था, वो भी बह के निकल गया। मतलब इतना पानी सॉलिड भरा हुआ था यहाँ पे और इतने पत्थर, ये लोग बोल रहे आगे थे ही नहीं कभी, लेकिन बिकॉज ऑफ इतनी बाढ़ आई इसलिए सारे पत्थर आ गए, इसलिए ब्लॉक हो गया पूरा रिवर का फ्रंट वे। तो इसी वजह से ये आधी परिक्रमा होती है, अभी करवा रहे हैं। अब क्लीन हो गया होगा हमारे जाने के बाद, तो शायद क्लीन हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो यही है जो है। तो हम आ चुके हैं किनारे पर हमारी बोट को हॉल्ट करने के लिए। किनारे तो खाली पड़े नानी नानी पगल नाना एवा सपना नी रेत वाली ढगली। तो पहुँच गए हैं किनारे पे हम, और यहाँ पे ये लोग जो बच्चे हैं कहते हैं हम लोग अंदर से डूबकर शिवलिंग लेकर आएंगे। पानी के अंदर बहुत सारी शिवलिंग है जो हम आपके लिए लेकर आएंगे, उन्हें डर नहीं लगता अंदर डूबकर जाने में। चलो अभी है ना, ये बंदा तो आके रख के नहीं गया, शिवलिंग निकालेंगे। નાખવાનું નથી, એમાંથી કાઢવાનું છે ગોતીને, એવું કે છે આમાં શિવલિંગ છે। આ પીધર આ જઈએ, સેફ પ્લેસ છે। વો ઢૂંઢ રહે કહા ઢૂંઢ રહે પતા નહીં। પાણી થી હાથ મોડું તો આમ આમ કરો થોડું, તમે ધો શિવલિંગ નહીં, પથ્થર હે, શિવલિંગ ઢૂંઢના હે। નહીં ચાહીએ આપ લોગ તો હર ચીજ મે 100 રૂપિયા દો, 50 રૂપિયા દો, હમ લોગ ભી મહેનત સે કમાતે હે। हाँ, हम लोग भी कमा के लेकर आते हैं, 100 रुपए दो, 50 रुपए दो। हाँ तो बस अभी अपना पप्पा जस પૈસા નથી કાઢવાના, શિવલિંગ કાઢશે અંદર થી, પાણી માંથી શિવલિંગ કાઢવાનું છે, એ ગોતવા માટે તમારે પાણી માં જવાનું ચાલીને। ઓલું ના કરે, ના ના ઓલું ના કરે, શું કેવાય, બાહુબલી ની જેમ ઉપાડી ના આવે। આકાશ લેગો કાઢી દો, આકાશ લેગો કાઢી દો, આકાશ લેગો કાઢી દો, ચલાવવા શૂઝ ને શોક્સ બે કાઢ, वो शिवलिंग नहीं, वो पत्थर है। हर पत्थर सोना नहीं होती, हर पत्थर शिवलिंग नहीं होता है। हाँ पानी में गर्म नहीं है, जाओ फटाफट निकालो, हाथ से पैरों से निकालोगी, तुमको तो आता है निकालने का। अभी दादा लेके जा रहे हैं हमारी छोटी दादी को पानी में। अरे भैया
अच्छा ये तो नावा गयो ले केवरी ने बेसाडी ने तपता केवरी चड्डी में नाखी दे फ्रॉक फ्रॉक चड्डी में नाखी दे हां बद्दो फ्रॉक चड्डी में नाखी दे वेरी गुड हां अनादी पहले एक बार फ्रॉक चड्डी में नाखी दे हां तेरे केवरी डायपर पहरियो तू केवरी आज नहीं पहरियो तो तिलक निकले जासे पैसा पे था 10 रुपए पाछा करावसे ओ चार जणा वच 10 रुपए फिर तितले पप्पा कोण ले मुने ती हटाव मुने धोती हा नाही तो आ मम नीचे नीचे धोय दो वीडियो पाडू वीडियो पाडू दो हो हा मु वीडियो पाडू तिलक तिलक निकाले दे निकली काड़ी दे पर निकली क्यों रेला चलो चलो एक भैया नहा रहे थे आ गए अच्छा कपड़े पहन ये तो था बेटा त्रण नदी नो संगम त्रण वेणी नो संगम नर्मदा कावेरी और बीजी कई बोलिया बस त्रिवेणी ना क्यों डबल ना चता रहे एक जगह गया था हां पार्किंग में गया था के पार्किंग अपने कहां गए हैं हम ओंकारेश्वर मंदिर ये पूरा नदी घूम के रुको करवाते करवाते ढूंढते हैं तो इसका तिलक निकल गया है वापस तिलक करवाएंगे केवरी के पापा ने तिलक निकाल दिया ना तो वापस तिलक लगवाएंगे हम इसको क्योंकि तिलक कराया तो कौन है ना मारो निकाल अच्छा बनाना बाहर में कौन सा सामान पानी सोडा नहीं सोडा ले लींबू सोडा ये नहीं भावे तो आपके यहाँ तक पानी भर गया था हाँ भैया भैया यहाँ तक पानी भर गया था वहाँ तक भर गया था तो आपका भी सामान सब यहाँ पे नरेंद्र मोदी का एक डायलॉग याद आ रहा है मुझे भक्त जनों
कैसे हो? तो जो महादेव जी है वैसे ही बोल रहे हैं, भक्त जनों कैसे हो? तो फिलहाल मैं नीचे से दिखाया था क्राउड, अब मैं ऊपर से दिखा रही हूँ। और यहाँ पे 12:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है, 1 बजे खुलता है कुछ, क्योंकि यहाँ पे होता है भोग लगाते हैं, आरती लगाते हैं। तो आप सबसे एक नम्र विनंती है, सुबह सबसे पहले ओंकारेश्वर के दर्शन कीजिए, उसके बाद नीचे ममलेश्वर और नदी की परिक्रमा करना, वरना आप हम जैसे फंस गए वैसे फंस जाओगे। यहाँ पे हम बहुत बुरी तरह फंस चुके थे, बुरी तक फंस चुके थे। टॉयलेट जाना है तो नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि जाएंगे तो लाइन में से निकल जाएंगे। तो बहुत 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 कंटाला आया था, थोड़ी देर के लिए तो लगा बस यहाँ से निकल जाए, पर आधा सफ़र भी पूरा नहीं हुआ था। VIP एंट्री, सबसे बड़ी बात, VIP एंट्री बोल के आपसे पैसे लूटे जाएंगे, 1 रुपया मत देना VIP एंट्री को, क्योंकि आपको VIP एंट्री बोल के ऊपर तक तो लेके जाएंगे, पर एंड में लाइन में तो उतना ही खड़ा रहना पड़ेगा जितना हमने खड़ा रहा है, क्योंकि VIP एंट्री के लिए कोई भी अलग से लाइन नहीं है। VIP एंट्री और नॉर्मल लाइन को साथ में धक्का मार के अंदर दर्शन के लिए लेके जाएंगे आपको। सो ये बात प्लीज़ आप ध्यान रखना। तो बस यहीं पे ख़त्म होती है ओंकारेश्वर की जर्नी, और यहाँ से हम सीधा निकलेंगे उज्जैन के लिए, और वहाँ जाके मेरे लिए और आप सबके लिए बहुत प्यारा सा सरप्राइज़ है। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना, सरप्राइज़ क्या है मैं भी नहीं जानती हूँ। हे फ्रेंड्स, हम पहुँच गए हैं उज्जैन, और अब मैं आपको जो दिखाने वाली हूँ उसके लिए मैं भी सरप्राइज्ड हूँ, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड ने सरप्राइज़ दिया है कि हम ऐसी जगह पर रहने वाले हैं जिसको मैंने कभी सोचा नहीं था। तो चलिए जल्दी से मैं आपको इसको बताती हूँ। रिसेप्शन है ये, और अब उसकी है एंट्री जो दिखाऊंगी मैं आपको। इसमें टोटल 8 कॉटेजेस हैं, जिसमें से 8 नंबर का कॉटेज हमारा है। हमने रूम का रेंट दिया था 2000, क्योंकि हमने प्री बुकिंग करवाई थी। अब इसका सीज़न में रेंट बढ़ गया है, जब हो गया है 3000। तो अगर आपको ऐसी कोई टेंट वगैरह में रहना है, और ये है उज्जैन में, हम महाकाल जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। अगर आपने पुराने व्लॉग्स मेरे देखे हैं, पुराने मीन्स बहुत पुराने नहीं, इंदौर घूमने गए थे, तो साथ में हमने उज्जैन की ट्रिप भी ली थी, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे कुछ यूनिक कॉटेज ढूंढी और इसे बुक करवाई है। चलिए मैं इसको अंदर से भी आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से क्या है मेरे सामने, ये है टेंट हाउस। तो हम टेंट हाउस में रहने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचान आपने, टेंट हाउस है। और अब मैं इसको अंदर से आपको बताऊंगी कैसा है। अब इसके अंदर इस तरह से आपको चेन खोलनी रहेगी, और फिर अंदर जाकर आपको एक्सप्लोर करना है ये नेट वाला टेंट हाउस। आपके साथ एक्स्ट्रा पर्सन है और 2000 एक्स्ट्रा नहीं खर्चना है, तो कुछ मिनिमम अमाउंट 200-500 देकर आप एक्स्ट्रा बेडिंग ले सकते हैं। 1-2 बेडिंग मिल जाएगी, मतलब 2 फैमिली तक आराम से रह सकती है यहाँ पे, 2-1.5 फैमिली तक, यानी तो आपके साथ कोई एक और 2-3 पर्सन है तो। और ये इसका वॉशरूम है, वॉशरूम क्लीन था बहुत, गीजर के साथ फैसिलिटी दी गई। शिप्रा कॉटेज लग्जरी स्विस टेंट में। और यहाँ पे रोज़ हम जब से इंदौर से जाके आए हैं, इंदौर हो उज्जैन हो, रोज़ रात को गणपति विसर्जन के लिए लोग निकलते हैं। और पता नहीं इतना कितना मानते, 30 तारीख का डेट है जो मैं वीडियो निकाल रही हूँ, और विसर्जन का डेट कितना पीछे था होगा, चलो जो भी है इनको विसर्जन करने देते हैं। और हम करते हैं आपको टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं कल, जहाँ जाएंगे हम महाकालेश्वर के दर्शन करने। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और कमेंट करके बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। बाय।